कुणाल खेमू ने गाने में बयां किया महामारी का दर्द, वायरल वीडियो में छलके एक्टर के आंसू। एक्टर कुणाल खेमू कुणाल के मुंह में अपनी एक्टिंग से हंसाते रुलाते रहे हैं। यह शानदार एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, जहां वे अपनी फोटो और वीडियो से फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं। वे अपने वीडियो और फोटो से अपने फैंस का मनोरंजन करने में कभी फेल नहीं हुए। हालांकि वे अपने लेटेस्ट वीडियो कुणाल के मूवी वीडियो में बेहद खास अवतार में नजर आए हैं, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। वीडियो में कुणाल काफी भावुक नजर आ रहे हैं और वे कैमरे के सामने कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते बने हालातों पर अपनी बात कह रहे हैं। वे वीडियो में काफी इमोशनल लग रहे हैं और खुद से तैयार किए गाने से अपना और लोगों का दर्द बयां कर रहे हैं। एक्टर ने अपने विचारों को गाने में जाहिर किया है। उन्होंने यह गाना खुद लिखा और कंपोज किया है। एक्टर शहर में लॉकडाउन के बीच अपने कमरे में गिटार बजाते दिख रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गाने का वीडियो शेयर करते हुए एक कैप्शन दिया, विचारों को शब्द मिले और शब्दों से एक गीत बना। एक संदेश, एक कविता, एक प्रयास है, मैं आपके साथ वह शेयर कर रहा हूँ जिसे मैंने आज सुबह ही तैयार किया था। यह मेरे द्वारा लिखा गया पहला गाना है जिसे मैंने गाया है। इस बीच एक्टर की इस पोस्ट ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो अब वायरल हो रहा है। फिल्म शुभ मंगलवार ज्यादा सावधान के एक्टर जितेंद्र कुमार भी उनके गाने से प्रभावित नजर आए। काम की बात करें तो कुणाल आखिरी बार फिल्म मलंग में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने दिशा पाटनी, आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर और एली अवराम के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था।